वह है चेतना की यात्रा और माँ कात्यायनी तो कात्यायनी के स्वरूप को आध्यात्मिक स्वरूप को हम समझने का प्रयास आज करेंगे और साथ ही साथ इसका संबंध ही चेतना की यात्रा से बन जाता है जुड़ जाता है तो चेतना की यात्रा से कैसे संबंध बनता है तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे वैसे देवी के जो नौ रूप हैं वो सबके सब चेतना से ही अपना संबंध बनाते हैं तो जैसे जैसे योगी साधना करता है आगे बढ़ता है तो वो अनेक अनुभूतियों को प्राप्त करता है और उन अनुभूतियों में वो जिन जिन अवस्थाओं से गुजरता है सिद्धा अवस्था तक वो पहुंचता है तो वह सब देवी का ही रूप है वह सब चेतना के ही रूप हैं तो यह चेतना अनेक प्रकार से कार्य करती है और एक है शुद्ध चेतना एक है भाव चेतना जीव चेतना तो जीव चेतना जीव के साथ कार्य करती है और भाव चेतना भावनाओं के साथ कार्य करती है तो जिस प्रकार से जिस प्रकार से आप इस विषय को समझने का प्रयास करें कि जैसे सूर्य की रोशनी है सूर्य की रोशनी जब अलग अलग जगहों पे पड़ती है तो अलग अलग कार्य करती है अलग अलग रूप धारण करती है वह एक ही रोशनी है जब वह रोशनी बादलों से होकर आती है तो अलग रूप धारण कर लेती है जब वह रोशनी जल में प्रवेश करती है तो अलग रूप धारण करती है अलग ढंग से काम करना शुरू कर देती है और अलग एक रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्शन होता है वहां पर वहां पर एक रिफ्रैक्शन होता है सूर्य की किरणों का प्रकाश का इसी प्रकार से जब सूर्य की रोशनी आवर्धक लेंस से गुजरती है तो फोकस हो जाती है और उसके नीचे कागज रख दो तो कागज में जलने लगेगा अगर वही रोशनी अगर तेलीय पदार्थों से गुजरे तो कुछ अलग ही प्रभाव दिखाई दे तो वैसे ही चेतना जब चेतना सर्वगत है तो जो भाव चेतना नहीं है जो जीव चेतना नहीं है और एक है विशुद्ध चेतना वह शुद्ध चेतना ही ब्रह्म का रूप है लेकिन उस चेतना को समझ पाना इतना सरल नहीं है हम समझना चाहते भी नहीं है समस्या यहां पर है तो इसीलिए एक साधक एक योगी किस प्रकार से अपनी चेतना को विकसित करता है अपनी चेतना को शुद्ध करता है वास्तव में जो योग का मार्ग है वो चेतना के शुद्धिकरण का ही मार्ग है चेतना के शुद्धिकरण का ही मार्ग है और चेतना के कारण ही चेतना के संसर्ग से जड़ संसर्ग से ही सृष्टि होती है तो इसीलिए ये जो योगी की यात्रा है वास्तव में चेतना की यात्रा है चेतना की अपूर्व यात्रा महर्षि अरविंद की एक पुस्तक है अध्यात्म के ऊपर एक साधक किस प्रकार से अपनी चेतना का विकास करता है और उसकी चेतना किस प्रकार से यात्रा करती है और सर्वव्यापी अवस्था को प्राप्त करती है शुद्धा अवस्था को प्राप्त कर लेती है जहां कोई बंधन नहीं होता लेकिन यहां पर जीवत्व बोध में अहंकार का बंधन है इसीलिए मोक्ष क्या है समाधि क्या है ध्यान क्या है मन की शांति किसे कहते हैं परमानंद किसे कहते हैं या यहाँ पर मनुष्य को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है कि मोक्ष क्या है समाधि क्योंकि उसके उसके पास कोई अनुभव नहीं है उसके पास कोई अनुभव नहीं है क्योंकि ये सारी चेतना की अवस्थाएं हैं जीव चेतना की अवस्थाएं जब जीव मनुष्य शरीर धारण कर कर योग रत हो जाता है योग करता है तो वो चेतना के नवीन आयामों का अनुभव करता है चेतना के नवीन आयामों का अनुभव करता है यही सबसे बड़ा रहस्य है तो योग साधना जब होता है होती है जब ध्यान योग होता है तो क्या घटना घटती है कई लोग ध्यान योग करते हुए कई तरह की बातें बतलाते हैं कई लोग ध्यान योग करते हुए साधना करते हुए चेतना के नवीन आयामों का अनुभव करते हैं ठीक है तो जैसे कि लोग साधना करते हैं प्रणव साधना करते हैं तो कई लोग इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे कि हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया है हम किसी किसी को लगता है जैसे कि वो शरीर जैसे कि वो उड़ रहे हैं इस प्रकार की अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है बहुत हल्केपन की बहुत आनंद की अनुभूतियां तो यह सब क्या है यह सब चेतना के आयाम हैं, चेतना नई नई अनुभूतियों को लेकर आती है क्योंकि जब हम ध्यान योग करते हैं तो चेतना का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है चित्त निरोध से अनेक वृत्तियां अनेक संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं और वहीं से वृत्तियां निकलती हैं वृत्तियां अर्थात संस्कार कर्म और संस्कारों के जो वेब्स हैं जो तरंगे हैं वो निकलती हैं वहां से ठीक है तो चेतना का प्रभाव हमें अपने भीतर ही देखने को मिलता है अपने भीतर ही प्राप्त होता है जब हम ध्यान योग करते हैं साधना करते हैं तो ये चीज है आप ध्यान योग के मार्ग पर सही से आगे बढ़ रहे हैं आप अगर ध्यान योग के मार्ग पर सही से आगे बढ़ रहे हैं तो उस बात का प्रमाण क्या है उस बात का प्रमाण यही है कि आप चेतना के नवीन आयामों का साक्षात्कार करेंगे आप चेतना के नवीन आयामों का साक्षात्कार होगा आपको आपको नाद सुनाई देगा उसमें आप आनंद का अनुभव करेंगे कई करें लोग ध्यान योग करते हुए जो करते हैं वो बताते हैं कि हम बैठ जाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे शरीर में हाथ पैर है ही नहीं हाथ पैर है ही नहीं ऐसी अनुभूति साधकों को होती है कई बार प्रणव साधना करने वाले साधक यह कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आज ही किसी ने मुझे मैसेज किया और बताया कि वो क्या अनुभव करते उन्होंने कहा कि प्रणव साधना करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई सुगंधी आ रही है सुगंधी आ रही है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वार बंदना मृत्यु क्षेमा महामृत्युंजय मंत्र क्या इस सुगंधि के बारे में बताती है सुगंधी आ रही है शरीर जैसे बहुत हल्का हो गया है फूल की तरह शरीर हल्का पड़ गया है कई लोग बिना श्वासों को रोके श्वासें अपने आप रुक जाती हैं ऐसा बोलेंगे और फिर उसमें बहुत तरह की अनुभूतियां होती हैं तो चेतना के नवीन आयाम वैसे तो आप चेतना के तीन आयामों का अनुभव करते हैं हर व्यक्ति करता है चेतना के तीन आयाम कौन कौन से जागृत स्वप्न सुषुप्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो चेतना के नवीन आयामों में जो जगत है वो नवीन हो जाता है अनुभूतियां बदल जाती हैं ठीक अनुभूतियां बदल जाती हैं जैसे कि जागृत अवस्था में आप इन चरम चक्षुओं से बहुत कुछ देखते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में आप चरम चक्षुओं से बहुत कुछ देखते हैं जागृत अवस्था में आप अपने चरम इंद्रियों से बहुत कुछ अनुभव करते हैं अपने कानों से अपनी त्वचा से लेकिन स्वप्न अवस्था में इन आप देखते हैं लेकिन इन आंखों से नहीं देखते तो स्वप्न अवस्था एक चेतना का दूसरा आयाम है जिसे हम अवचेतन कहते हैं सबकॉन्शियस कहते हैं हम तो यही बात मांडुप के उपनिषद इसी बात को समझाते हैं ये चेतना के दूसरा आयाम है स्वप्नावस्था हाँ आजकल चलिए सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारी बातें चलती हैं हालांकि मैंने खुद कई चीजें पढ़ी और कई चीजें सुनी जिस ढंग से बातों को बताया जाता है उस ढंग से चीजें काम नहीं करती हैं क्योंकि वो शास्त्रीय विधि से नहीं होती हैं और ना होने के कारण कई बार बड़ा ऐसा नहीं है कि आप किसी बात को अंग्रेजी में कह देंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी हो सकता है कि अंग्रेजी बोलकर कोई फ्रॉड भी कर जाए ठीक है तो इसीलिए अवचेतन एक चेतना का नवीन आयाम है वो जहां पर आप स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं और वहां पर आपको लगता है जितने देर आप स्वप्न देखते हैं उतने देर तक स्वप्न सत्य होता है झूठ नहीं होता जितने समय तक आप स्वप्न देखते हैं उतने समय तक स्वप्न जो है वो सत्य है वो झूठ नहीं है मिथ्या नहीं है वो गलत नहीं है वो ना मिथ्या है ना झूठ असत्य है दोनों नहीं है वो सत्य है आपका स्वप्न सत्य है क्योंकि आप स्वप्न में अनुभव कर रहे होते हैं आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं अगर आप कोई डरावना स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न के अंदर आप डर रहे होते हैं अगर आप स्वप्न में लड़ाई झगड़ा देख रहे होते हैं, तो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं आपके मन में वैसे भाव चलते रहते हैं अगर भय लग रहा है स्वप्न में कोई भयपूर्ण दृश्य तो आप भयभीत होते हैं कई बार आप स्वप्न में अपने परिजनों परिवार के लोगों को देखकर मोहित होते हैं मोह में आ जाते हैं कई बार आप स्वप्न में क्रोध करते हैं कई बार आपको स्वप्न में भूख लगती है आप खाना ढूंढ रहे होते हैं कई बार आप स्वप्न में भाग रहे होते हैं कोई सांप आपको दौड़ा रहा है कोई न, बड़ा जानवर आपको दौड़ा रहा है तो आप भाग हाँ रहे होते आप हैं आप भयभीत होते हैं स्वप्न के अंदर कई बार तो इस प्रकार से लोग कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं ठीक तो यह जो लोगों का स्वप्न देखना है यह चेतना का एक आयाम है लेकिन जब वो उठ जाते हैं चेतना का स्तर बदल गया आप स्वप्नावस्था में थे स्वप्नावस्था से जागृत में आ गए जैसे ही जागृत अवस्था में आए तो आपके लिए स्वप्नावस्था झूठी हो गई फिर आपने कहा कि अरे ये तो सपना था यही राजा जनक का प्रश्न था महर्षि अष्टावक्र से विद्वानों से था बहुत सारे लोगों से पूछा संतुष्टि नहीं हुई महर्षि अष्टावक्र आए यद्यपि उम्र में छोटे थे राजा जनक से वो उम्र में अष्टावक्र राजा जनक से छोटे थे लेकिन फिर भी उन्होंने जनक को समझाया बताया क्योंकि वो उसके जानकार थे उन्हें चेतना का विज्ञान समझ में आता था तो जनक का प्रश्न यही था कि मैं स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में मैं भिखारी था जनक ने कहा कि मैं स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में मैं भिखारी था लेकिन जैसे ही सपना टूट गया तो मैंने देखा कि मैं राजा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भिखारी था वह स्वप्न था वह असत्य था अब मैं राजा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी एक सपना है और एक दिन टूट जाएगा यह भी एक सपना है और एक दिन टूट जाएगा ठीक तो राजा का यही प्रश्न था कि सत्य क्या है मैं भिखारी था वह तो स्वप्न था लेकिन जब मैं स्वप्न देख रहा था तो मुझे जरा सा भी आभास नहीं था कि मैं राजा हूं और कोई भी व्यक्ति जब आप भी स्वप्न देखते हैं तो जिस अवस्था में आप स्वप्न के अंदर महसूस करते हैं स्वप्न के अंदर स्वयं को जिस अवस्था में आप अनुभव करते हैं स्वयं को आप जिस अवस्था में अनुभव करते हैं तो वह जो अवस्था है वो उस समय के लिए सत्य होती है वह अवस्था उस समय के लिए बिल्कुल सत्य होती है ठीक है तो जिस अवस्था में आप अनुभव कर रहे होते हैं स्वयं को स्वप्न अवस्था में उस समय के लिए सत्य है लेकिन जैसे ही चेतना का आयाम बदल गया नवीन चेतना जैसी जागृत अवस्था में हम आ गए तो हमें स्वप्न मिथ्या लगने लगा तो जनक का प्रश्न बना कि हे ऋषिवर हे महर्षि मुझे बताइए मैं भिखारी था उस समय मुझे राजा होने का कोई भान नहीं था अब मैं राजा हूं मुझे भिखारी होने का कोई एहसास नहीं है इस समय सत्य क्या है मैं भिखारी था वो सत्य है स्वप्न के अंदर मैं भिखारी मैंने देखा कि मैं भिखारी हूं मेरा भूख से मैं तड़प रहा हूं मैं भिक्षा मांग रहा हूं कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन अचानक से कुछ मुझे अन्न के दाने मिलते हैं दाल चावल के दाने मिलते हैं अन्न मिलता है और मैं उसकी खिचड़ी बनाना शुरू कर देता हूं एक हांडी में मिट्टी की हांडी में इतने देर में एक पशु आकर उसे गिरा देता है और फिर मैं भूख से तड़पड़ाने लगता हूं छटपटाने लगता हूं और इतने में जब मैं मेरी निद्रा खुल जाती है तो फिर मैं देखता हूं कि मैं तो एक राजा हूं और फिर मुझे बताया जाता है कि मैं तो स्वप्न देख रहा था सत्य क्या है जब मैं स्वप्न देख रहा था तो मुझे जरा भी इस बात का भान नहीं था कि मैं राजा हूं और अब मैं राजा हूं जागृत अवस्था में तो मुझे इस बात का जरा भी भान नहीं है कि मैं भिखारी हूं सत्य क्या है कौन सी अवस्था सत्य है मैं भिखारी हूं यह असत्य था अब मैं राजा हूं क्या यह सत्य है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी असत्य है यह भी एक स्वप्न है और एक दिन यह भी सपना टूट जाएगा जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हो गोस्वामी तुलसीदास तो जी लिखते हैं यही विधि हरि आश्रित ही यद्यपि असत्य देत दुख आही जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हो जैसे स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो तो दुख कैसे दूर होगा जब तक तुम जागोगे नहीं जैसे जागोगे सपना टूटेगा वैसे ही वास्तव में मनुष्य माया की नींद में सोया हुआ है और अनेकों सपने बुन रहा है अनेकों सपने देखे जा रहा है और एक दिन एक दिन यह चेतना का आयाम बदलेगा और जब बदलेगा मृत्यु आएगी यह शरीर चर्म इंद्रियों के अंदर जो चेतना की गति है वो जहां रुकेगी तो उसका आयाम बदल जाएगा उस समय यह सारा जगत झूठा ही होगा मिथ्या ही होगा सारा जगत मिथ्या ही होगा ठीक है तो इसीलिए चेतना अनेक रूप दिखाती है अब जब योगी साधना करता है ध्यान योग करता है सिंपल कोई साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करना एक अलग बात है को कोई साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करो आपको कोई इमेजिनेशन कराया जाए कुछ हो वो एक अलग बात है लेकिन ध्यान के द्वारा अवचेतन नहीं ध्यान रखिएगा गड़बड़ हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ के खत्म हो जाएगा यहीं पर ध्यान आपको अवचेतन की ओर नहीं ले जाता अवचेतन का मतलब क्या है सब कॉन्शियस वेयर योर कॉन्शियसनेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली जहां आपकी चेतना सही से काम नहीं करती है या आप जहां पर चेतन अवस्था में नहीं है उसे हम अवचेतन कहेंगे मतलब कि लो डाउन डाउनवर्ड अवचेतन अवचेतन बड़ा पावरफुल है लोग कहते हैं तो कैसे पावरफुल है जब वो अवचेतन अवचेतन के अंदर तो पावर होने का मतलब ही नहीं ना क्योंकि वो तो अवचेतन है लो कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियस का मतलब क्या है लो कॉन्शियस लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो आप कैसे कह सकते हो कि सब कॉन्शियस माइंड इज ए पावरफुल थिंग एक्चुअली जहां आपकी कॉन्शियसनेस काम नहीं करती है वहां सब कॉन्शियस हावी हो जाता है बस इतनी सी बात है आप अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो सब कॉन्शियस काम करेगा फिर तो आजकल जो सब कॉन्शियस माइंड के बारे में जो मार्केटिंग की जाती है वो बहुत ज्यादा हद तक जो है मिसगाइडिंग है बहुत ज्यादा मिसगाइडिंग होता है फिर वहां पर ठीक वहां पर चीजें मिसगाइड की जाती हैं फिर क्योंकि नाम लिया जाता है सब कॉन्शियस का और बोला जाता है कि पावरफुल है ये कितना कॉन्ट्रोडिक्ट्री है आप सोचो कि आप उसे सब कॉन्शियस भी कह रहे हो और उसे पावरफुल भी कह रहे हो जी हां कैसे जैसे कि एक मनुष्य है को बोलो कि तुम बड़े कमजोर हो तो जी हाँ उसकी कमजोरी उसके ऊपर हावी है हम ये कह सकते हैं तो वैसे ही सब कॉन्शियस एक वीकनेस है जो हमारे ऊपर हावी है हम अपने संस्कारों को अपनी आदतों को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं और वो हमारे पर हावी हो जाती है तो हम कहते हैं दिस इज सब कॉन्शियस माइंड दिस इज सब कॉन्शियस माइंड तो वर्ड वट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सब कॉन्शियस अवचेतन मतलब कि बिलो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अवचेतन का मतलब लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नॉट हाइयर लेवल जहां पर आप पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है दैट इज सब कॉन्शियस ठीक तो ये सबकॉन्शियस का मिस्ट्री है तो ये एक जीव की चेतना जो है तीन आयाम अनुभव करती है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जिसको कॉन्शियस सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी कहा, कहा जाता है लेकिन ध्यान योग ध्यान योग हमें अति चेतन अवस्था में ले जाता है सुपर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है सुपर कॉन्शियसनेस तो सुपर कॉन्शियसनेस की ओर जब हम जाते हैं तो योगी योगी वह भी देखता है जो ये आंखें नहीं देख सकती योगी वह भी सुनता है जो ये कान नहीं सुन सकते योगी वह भी देखता है जो आंखें नहीं देख सकती योगी वह भी सुनता है जो ये कान नहीं सुन सकते ठीक है तो ये फिर रहस्य यहां पर आता है कि योगी वह भी देखता है जो ये आंखें नहीं देख सकती अर्थात उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसकी जो चेतना है वह इंद्रियों का बंधन तोड़ देती है इंद्रियों का बंधन तोड़ देती है और उसका जो सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म इंद्रियां हैं वह इंद्रियों का बंधन चर्म इंद्रियों का बंधन तोड़कर काम करती है फिर तो वह ऐसा भी अनुभव कर सकता है जो ये आंखें नहीं देख सकती जो ये कान नहीं सुन सकते वो सुन सकता है योगी सुन सकता है तभी कहा गया बिनुपद चलई सुनई बिन काना कर बिन करम कराई नाना। कि जो बिना पैरों के चलने वाला बिना कानों के सुनने वाला कर बिन करम नाना घ्राण बिना बास अशेष अर्थात की बास को सुगंधि को ग्रहण करता है बिना घ्राण बिना नासिका के घ्राण मतलब नासिका ठीक तो ये इसका रहस्य है तो फिर चेतना ध्यान योगी ध्यान योग करने वाला साधक जो है अनेकों अनुभूतियां करता है वो घट में ज्योति का दर्शन करता है वो नाद श्रवण करता है जो नाद श्रवण करता है आप क्या चाहते हैं प्रश्न ये है आप क्या मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर आप जो है शास्त्र सम्मत तरीके से योग को समझना चाहते हैं योगी बनना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं प्रश्न ये है इसीलिए शास्त्र विधि से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए उसका अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए नहीं तो कई तरह के भ्रमों में पड़कर हम जो हैं गलत रास्ते पर चलते हैं और फिर जब भ्रम पहले तो हम बड़े सम्मोहित होते हैं। सब कुछ सही सही लगता है सब कुछ एक्यूरेट लगता है लेकिन जब भ्रम टूटता है फिर पता चलता है कि हमारा ज्ञान तो बहुत ही गौण था हमारा ज्ञान जो था वो बहुत ही गौण था तो इसीलिए हमें इस तथ्य को समझना चाहिए चेतना के विज्ञान को समझना चाहिए महर्षि अरविंद ने इसी विषय पर अपनी पुस्तक लिखी चेतना की अपूर्व यात्रा तो चेतना की अपूर्व यात्रा शुरू हो जाती है जब आप ध्यान योग करते हैं अंतर जगत की कई अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं कई ऐसे भी होते हैं कि जो चीजें इन आंखों से नहीं देखी जा सकती जो बहुत दूर है कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद लंदन में जब वो थे तो उस समय उनके पास जमशेद जी टाटा जाते हैं जमशेद जी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के के इस्टेब्लिश उन्होंने किया था टाटा ग्रुप को टाटा इंडस्ट्री को उन्होंने बनाया था और आज उन्हीं की पीढ़ी चल रही है जो कि आज रतन जी टाटा के नाम से टाटा ग्रुप के जो मालिक हैं ऑनर सीईओ हैं जो चीफ हैं उनकी उनकी चर्चा आती है तो जमशेद जी टाटा वो स्वामी विवेकानंद से लंदन में मिलते हैं स्वामी विवेकानंद अपने विदेश यात्रा पर उस समय होते यूएसए में अमेरिका शिकागो में अपना भाषण देने के बाद वो कुछ दिन वहां रुकने के बाद अलग अलग देशों में जर्मनी भी जाते हैं लंदन भी जाते हैं और जब वो वहां होते हैं तो जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद के पास वहां जाकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं भारत में एक स्टील फैक्ट्री लगाना चाहता हूं आप मुझे कोई स्थान बताइए उचित स्थान बताइए मैंने कई लोगों से पूछा वैज्ञानिकों से भी मैंने जानकारी ली ले, लेकिन मुझे बहुत सही सही जानकारियां मिली नहीं मुझे क्या करना चाहिए तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपको एक शर्त है कि आप आपको एक भारत में एक वैज्ञानिक केंद्र भी खोलना पड़ेगा आप वैज्ञानिक केंद्र खोलेंगे और तब जाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पर आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें जगह बताया था स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बिहार प्रांत में दक्षिण बिहार के के क्षेत्र में जो कि आजकल झारखंड कहा जाता है आजकल वो एक नया राज्य झारखंड के रूप में आ गया है लेकिन पहले वो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था स्वर्ण रेखा तट पर आप जाकर अपनी फैक्ट्री लगाइए स्टील प्लांट लगाइए क्योंकि वहाँ पर वहाँ की जमीन में लोहा बहुत है विश्व का सबसे बेहतरीन लोहा वहाँ पर जमीन के अंदर मिलेगा आपको नदी का पानी भी मिलेगा और आपको काम करने वाले मजदूर भी बहुत आसानी से उस क्षेत्र में मिल जाएंगे उनको रोजगार मिलेगा और तब जो है जमशेद जी टाटा ने दो संस्थाएं बनाई एक उन्होंने वैज्ञानिक केंद्र खोला बेंगलोर के अंदर आई जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और उन्होंने दूसरा टाटा नगर बसाया वहां जाकर स्टील प्लांट लगाया तो ये चीज स्वामी विवेकानंद ने कैसे देखा क्यों बताया जो बात वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे थे कि जमीन के अंदर सबसे बेहतरीन विश्व का सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा है वो वहां पर रॉ मटेरियल, जो लोहा का रॉ मटेरियल है वो वहां पर मिल सकता है ये स्वामी विवेकानंद ने अपने कहते हैं कि ध्यान करकर उन्होंने एक अवलोकन कर लिया पूरे भारत का और उन्हें बता दिया कि मेरा जो मेरी जो चेतना है इस समय जो कि इंद्रियों को तोड़ के काम कर रही है इंद्रिय बंधन वहां पर नहीं है ध्यान कर कर उन्होंने देख लिया कि इस जगह पर यह चीज है और वहां पर ऐसा करना चाहिए और वहां पर फिर स्टील प्लांट लगा और इस तरह से घटनाएं घटी और तो योगी इस प्रकार से देख सकते हैं योगी इस प्रकार से कई चीजें देख सकते हैं इस प्रकार से कई बातों का अनुभव कर सकते हैं और फिर बेंगलोर के अंदर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को भी बनाया स्टैब्लिश किया तो चेतना जब विकसित होती है तो अति चेतन अवस्था सुपर कॉन्शियसनेस की ओर जाती है क्योंकि तो सब कॉन्शियसनेस में तो आप ऑलरेडी हो और जब वो सुपर कॉन्शियसनेस की ओर जाएगी तो सब कॉन्शियस का जो पावर है वो अपने आप कम हो जाएगा जब आप ध्यान योग से सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव करोगे तो सब कॉन्शियस का जो पावर है वो डिक्रीज होगा कम हो जाएगा अपने आप वो हावी होना बंद कर जाएगा आपकी पुरानी आदतें आपके ऊपर हावी होना बंद कर देंगी आपके जो इमोशंस, डीप रूटेड इमोशंस, जो आपको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं अचानक से आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं, वो आपको आपके ऊपर हावी होना धीरे धीरे बंद कर देंगी ये चेतना के विकास का लाभ मिलना शुरू हो जाता है तो चेतना जब विकसित होती है तो अनेक तरह से काम करती है और फिर वो सिद्धियों के रूप में परिणित हो जाती है सिद्धि सिद्धि रूप धारण कर लेती है एक बार स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि वो ध्यान में बैठे हुए थे साधना में बैठे थे ध्यान में नाद ध्यान में लीन थे और ध्यान करते करते जो है क्या हुआ कि उनको ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उनके गर्दन के नीचे प्राण नहीं है अपने शरीर का अनुभव ही गायब हो गया ध्यान करते करते उनको ऐसा महसूस होने लगा कि गर्दन के नीचे प्राण है ही नहीं शरीर का अनुभव शून्य हो गया और नाद ध्यान में लीन हो गया अगर आप सही तरीके से नाद ध्यान करोगे तो ऐसा अनुभव होता है कई बार शरीर की अनुभूति शून्य होने लग जाती है ध्यान योग का कोर्स करने वाले अगर गंभीरता से ध्यान करते हैं तो जरूर वो बहुत सारे बातों का अनुभव कर पाएंगे यह अनुभव का विषय है इंद्रियों के परे जाकर कई चीजों को देख लेना यह भी अनुभव का विषय है एक योगी की चेतना वो उस चेतना से एक विकसित चेतना वाला योगी देख सकता है जान सकता है स्वामी विवेकानंद जी ध्यान में बैठे हैं और कहते हैं कि जब उनके उनके जो सहयोगी एक साधक थे सहयोगी कहने का मतलब कि उनके मित्र थे उनके साथ रहते थे वो भी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे तो उन्होंने आंखें खोली वो बैठ नहीं पा रहे थे उनका मन नहीं लग रहा था उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था उन्होंने देखा कि नरेंद्र जो है जैसे ऐसे बैठा है जैसे कंबल ओढ़ा हो तो कंबल तो लेकर आए नहीं थे तो ये काला कंबल इसके शरीर पे कहां से आया काला कंबल नहीं था मच्छर थे शरीर पे इतने मच्छर बैठे हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि काला कंबल ओढ़ा हो लेकिन फिर भी नरेंद्र नाथ दत्त जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए वो अचल बिना हिले डुले एकाग्र भाव से बैठे हुए थे और उस समय कहते हैं कि उनकी जो प्राण है वो गले के नीचे उनको अनुभव ही नहीं हो रहे थे जैसे शरीर में प्राण है ही नहीं या शरीर ही नहीं है शरीर का अनुभव ही गायब हो गया और उस समय उनके सिर में एक पीड़ा उत्पन्न होती है उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मेरे सिर में ऐसा लगा जैसे कि पीड़ा उत्पन्न होनी शुरू हुई बहुत तेज दर्द शरीर में इतनी पीड़ा उत्पन्न हुई कि जैसे मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा तो कई बार लोग साधक पूछते हैं हमसे पूछते हैं कि भाई हमको जब हम ध्यान करते हैं तो भ्रिकुटी के मध्य में कई बार बहुत तेज खिंचाव होता है जी हां होता है सबको होता है तेज खिंचाव का होना सिर में थोड़ा भारीपन आना ये सबको होता है अगर कोई तकलीफ है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप उस समय के लिए अपना ध्यान वहां से हटा लीजिए मत कीजिए और वैसा ही करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें होती हैं अलग अलग कर्म संस्कार होते हैं तो स्वामी विवेकानंद कई समय से साधना का अभ्यास कर रहे थे तो चेतना के उस वेग को सहन करने की क्षमता उनके अंदर थी सहन करने की क्षमता मस्तिष्क में आ जाती है रक्त का प्रवाह बड़ी तेजी से ऊपर की ओर भागता है एक बार ठाकुर बैठे हुए थे रामकृष्ण परमहंस तो समाधि में लीन वो हो गए और अचानक उनके पैर के अंगूठों से खून बहना शुरू हो गया उनके जो शिष्य थे या परिवार के लोग थे वो डर गए भयभीत हो गए ये क्या हो रहा है डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने उनके पैरों में पट्टी बांधनी शुरू की लेकिन अभी भी वो एक भाव समाधि की अवस्था में थे और जब वहां से लौटते हैं अपने नेत्र खोलते हैं उन्हें पूछा कि मेरे पैर में पट्टी क्यों बांधी तो पूछते हैं कि अरे भाई मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं ये कोई चोट नहीं है यह तो माता की कृपा है क्योंकि मेरे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बड़ी तेजी से हो रहा था योगी को फिर लगेगा कि वो अपने सिर को नीचे कर ले और यहीं से वो शीर्षासन कर लेगा फिर तो रक्त का प्रभाव बड़ी तेजी से स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया उन्होंने अपना अनुभव बताया ठाकुर का भी अनुभव बताया कि उन्होंने उनके साथ मैंने ऐसे होते हुए देखा था तो उनके पैरों से खून निकलने लगा था लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बड़ी तेजी से सिर में एक पीड़ा शुरू हुई शरीर का अनुभव पूरा शून्य हो गया नाद में ऐसे लीन हो गए और लेकिन सिर में एक पीड़ा शुरू हुई तेज दर्द हुआ और फिर धीरे धीरे वो दर्द गायब होते गया और संपूर्ण संसार मेरे लिए शून्य हो गया ऐसा लगने लगा जैसे मैं शून्य में समाये जा रहा हूं मैं शून्य में लीन हो रहा हूं शून्य में मेरा लय हो रहा है मुझे ऐसा अनुभव होना शुरू हो गया यह स्वामी विवेकानंद ने बताया तो यह चेतना यही कात्यायनी है यह जो चेतना है यह योगी की चेतना पहले साधक योगी शैलपुत्री की भांति शैलपुत्री मतलब जो पर्वत के समान जिसके इरादे हैं जिसका दृढ़ संकल्प शैल के समान शैल मतलब चट्टान शैल मतलब पर्वत वो उस दृढ़ संकल्प के साथ साधना शुरू करती है फिर वह ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणी बनती है फिर वो और विकसित होती है वह चंद्र घंटा बनती है नाद ध्यान मन को नाद में लगाना ठीक फिर वह सृजन शक्ति उसके अंदर आती है कुशमांडा बनती है चेतना नव सृजन करती है नव सृजन क्या एक आयाम से दूसरे आयाम चेतना के आ जाते हैं फिर योगी अनेकों प्रकार के अनुभव करने लग जाता है जो कि शरीर चेतना से इस शरीर के द्वारा जो अनुभव नहीं हो सकते वो अनुभूतियां भी योगी के जीवन में आने लग जाती हैं एक नया सृजन एक नई सृजन शुरू हो जाती है तो वो सृजन की देवी है कुशमांडा लेकिन साथ ही साथ प्रलय का कार्य भी चलता है कौन सा प्रलय शरीर के कारण जो तामसी गुणों का विकास हो जाता है इस जड़ देह के कारण तामसिकता का जो वृद्धि हो जाती है उस तामसिकता का विनाश होता है तारकासुर का विनाश मान लीजिए तो वह देवी स्कंद माता है एक तरफ जब चेतना विकसित होती है नाद ध्यान के द्वारा साधना के द्वारा ध्यान योग के द्वारा तो सृजन भी होता है और विनाश भी होता है सृजन होता है चेतना के नए आयाम का नई अनुभूतियों का अंत अनुभूतियां वो अंतर अनुभूतियां होती हैं वो दिव्य अनुभूतियां होती हैं तो योगी को अंतर की कई अनुभूतियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और फिर वह सृजन भी हो रहा है और साथ ही साथ विनाश विनाश की देवी है इसकंद माता। विनाश किसका तामसिकता का विनाश हमारे अंदर जो रावण बैठा है हमारे अंदर जो तारकासुर बैठा हुआ है वो तमस तामसिक है वो परिवर्तन नहीं चाहता तो उसका विनाश शुरू हो जाता है तामसिकता का विनाश होता है त्रिगुणी तीन गुण संतुलन की अवस्था में पहुंचने शुरू हो जाते तो विनाश होता है और फिर जब वही शक्ति जब अपने विनाश को बढ़ा देती है अर्थात तामसिक गुणों का विनाश अधिक कर देती है जब वो बढ़ा देती है तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बहुत तेज पीड़ा मस्तिष्क में हुई और फिर धीरे धीरे वो पीड़ा गायब हो गई और एक अद्भुत आनंद एक परमानंद का अनुभव फिर वहां पर आ गया स्वामी विवेकानंद अपनी बायोग्राफी और अपने बातों में ये लिखते हैं कि वो चीज खत्म हो गई पीड़ा खत्म हो गई सिर में जो दर्द उठा था वो खत्म हो गया और एक अद्भुत आनंद का अनुभव होना शुरू हो गया वो परमानंद है तो इस प्रकार से योगी अनुभव करते कर सकते हैं ऐसा अनुभूति अवश्य ही होती है और ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि हम लय हो रहे हैं हम डिसॉल्व हो रहे हैं हम नाद में ही लय हो रहे हैं हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है वास्तव में जीवत्व का अस्तित्व खत्म होना शुरू होता है मैं अहंकार खत्म होना शुरू होता है वही वास्तविक अहंकार का खात्मा है अहंकार जबरदस्ती खत्म नहीं हो सकता हाँ घमंड दम्भ आप खत्म कर सकते हैं लेकिन जो अहंकार जिसने जीव बोध को बना के रखा हुआ है वो तो रहता ही है वह ध्यान योग से ही खत्म होगा चेतना के विकसित करने पर ही वो खत्म होगा तो यह जो दमनकारी नीति है चेतना की जो दमनकारी प्रवृत्ति है कि जहां पर वो तामसिकता का संपूर्ण नाश करते हुए शुद्धा अवस्था में पहुंचती है अपनी शुद्ध अवस्था को वो प्राप्त करना शुरू कर देती है तो यह जो प्रोसेस है यह जो चेतना का वेग है यह जो फोर्स है एक जिसका अनुभव एक योगी कर सकता है वह वह जो है वही कात्यायनी है इसलिए कात्यायनी स्कंद माता का ही एक रूप है प्रचंड रूप है वह स्कंद माता मतलब विनाशकारी किसका विनाश तामसी शक्तियों का विनाश उनका विनाश करने का काम देवी कात्यायनी करती है और कहते हैं कि देवी कात्यायनी ही है जिन्होंने महिषासुर का वध किया माता ने कात्यायनी रूप में ही महिषासुर का वध किया था ठीक है तो कात्यायनी रूप में महिषासुर का वध हुआ था तो कात्यायनी ने महिषासुर का वध मतलब तामसिकता का वध तारकासुर तो का वध मतलब तामसिकता का वध तो भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था इसीलिए स्कंद माता देवी के लेकिन देवी का नाम पड़ा तो माता। अर्थात देवी ने ही तारकासुर का वध किया एक तरह से ठीक तो कात्यायनी चेतना का वेग है कात्यायनी वह चेतना का वेग है जो हमारे अंदर सारी तामसिकता को नष्ट कर कर अवस्था में हमें ले जाती है शुद्ध चेतना ब्रह्म चेतना जिसे हम कहते हैं सर्वव्यापी चेतना जिसे हम कहते हैं ठीक है सुपर कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं तो उस लेवल तक हमें लेकर चली जाती है यह ध्यान योग की प्रक्रिया इसका अभ्यास और फिर सिद्धियों की बात तो सिद्धियां तो अनेकों हैं अभी चर्चा आएगी जब हम सिद्धिदात्री की व्याख्या करेंगे माता सिद्धिदात्री कालरात्रि महागौरी अभी तीन देवियां बाकी हैं अभी तीन देवियां बाकी हैं महागौरी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री उन पर व्याख्यान भी आएंगे उनके आध्यात्मिक मर्म को भी हम समझेंगे तो यह कात्यायनी का रूप है चेतना का प्रचंड वेग प्रचंड रूप प्रलयकारी रूप और आसुरी शक्तियों का विनाश तामसी शक्तियों का विनाश छांदों के उपनिषद में भी हमने इस विषय पर चर्चा की कि किस प्रकार तामसी शक्तियों का विनाश होता है तो उद्गीत से बताया गया उद्गीत कर लेने से तामसी शक्तियां जो सात्विक शक्तियों पर हावी होना चाहती हैं उनको खत्म करना चाहती हैं उनको रोकने के लिए उद्गीत का सहारा लेना चाहिए अर्थात ध्यान योग का सहारा प्रणव साधना का सहारा लेना चाहिए तो फिर चेतना इस प्रकार से विकसित होगी कि सारे बंधनों को तोड़कर वह परमानंद का उप, की उपलब्धि आपको करा ही देगी आप परमानंद का अनुभव आपको वो करा ही देगी इसलिए सतत प्रयास की आवश्यकता है ध्यान योग कोर्स जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस बात को समझे सतत प्रयासी बने अभ्यासी बने लगे रहे अवश्य प्रसाद मिलेगा अगर ईमानदारी से गंभीरता से साधना में लगेंगे तो अवश्य प्रसाद प्राप्त होगा परमानंद का प्रसाद दिव्य अनुभूतियों का प्रसाद प्राप्त होगा सिद्धियों का विकास होगा क्षमताओं का विकास होगा इंद्रियों के परे जाकर देखने की क्षमता विकसित होगी इंद्रियों के परे जाकर अनुभव करने की क्षमता विकसित हो जाएगी और योगियों के अंदर हो जाती है क्या बहुत साधना करनी पड़ती है एक साल भी गंभीरता से कर लो तो बहुत कुछ आ जाएगा आपको एक वर्ष भी गंभीरता से कर लो साधना तो बहुत कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो यह इसका रहस्य है तो माता कात्यायनी जिन्होंने महिषासुर का वध आसुरी शक्तियों का विनाश किया कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में भी कात्यायनी को माना गया है इसलिए भी उन्हें कात्यायनी कहते हैं लेकिन देवी दुर्गा का वह रूप जिसके द्वारा उन्होंने महिषासुर का वध किया वह देवी का ही है ऐसा वर्णन मिलता है इसलिए मित्रों यह पूरी तरह से चेतना की यात्रा है देवी के जो नौ रूप हैं यह चेतना की नौ अवस्थाएं हैं वास्तव में एक योगी की जीवनी है यह एक योगी एक ध्यान योगी किस प्रकार से योग मार्ग में वो विकास करता है यह देवी के नौ रूप या नौ अवस्थाएं हैं देवी एक ही है वो एक ही देवी के नौ रूप हैं ठीक एक ही देवी के नौ रूप हैं तो इसलिए हम इस देवी के रूप के आध्यात्मिक मर्म को समझे आध्यात्मिक सार को समझे और स्वयं को ध्यान योग के मार्ग पर वास्तव में हम ही जीव जो है वही इस प्रकार से योग करते हुए वो अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होता है वही नौ अवस्थाएं हैं देवी के तो देवी माँ भगवती कहीं बाहर नहीं है वो हमारे भीतर है हमारी चेतना का रूप हमारे चेतना रूप में साक्षात देवी ही है सबके भीतर है वह तो चीटी में भी है हाथी में भी है कीट पतंगों में भी है मनुष्यों में भी है दानवों में भी है उनके अंदर जो भी चेतना विद्यमान है वह देवी का ही रूप है इसलिए चेतना भी देवी का ही नाम है चेतना भी एक नाम है देवी का चेतना स्त्रीलिंग शब्द है चेतना क्या है स्त्रीलिंग शब्द है तो चेतना भी देवी का ही नाम है तो हमारे अंदर जो चेतना है वह स्वयं देवी ही है और वह जो चेतना है वही तो ब्रह्म है शुद्ध रूप में वही सर्वव्यापी ब्रह्म हो जाता है तो फिर तो वह ब्रह्म भी देवी रूप हुआ फिर वह ब्रह्म भी देवी ही हुआ ऐसा भी हम कह सकते हैं लेकिन फिर भी ब्रह्म भावातीत है भावनाओं से परे है स्त्रीलिंग और पुरलिंग तो भावनाओं के अंदर आएंगे देवी और देवता तो भावनाओं के अंदर आएंगे लेकिन फिर भी जब हम भाव रूप से मानेंगे तो हम ब्रह्म को भी देवी स्वरूप मानते हैं यह भाव रूप है और दुर्गा सप्तशती में ऐसा कहा भी गया रामचरित में भी कल हमने चर्चा की गोस्वामी तुलसीदास जी जी को क्या कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्कृम सीता न तो हम राम वल्लभाम हम उन सीता जी को नमन करते हैं जो कि जन्म देने वाली पालना करने वाली और संहार करने वाली है अर्थात यह कार्य तो स्वयं ब्रह्म के द्वारा ही संपन्न होता उसी के संयोग से हो पाता है तो फिर सीता जी को नमन करते हुए कहा जा रहा है कि वह देवी जो संहार करने वाली है पालन करने वाली है रक्षा करने वाली है और जन्म देने वाली उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सारे क्लेशों को हरने वाली है सर्वश्रेयश सबका कल्याण करने वाली है सीता न तो हम ऐसी सीता जी को बारमवार प्रणाम है उनके चरणों में नमन है राम वल्लभाम जो राम जी की प्रिया है उनकी वल्लभा है, ठीक तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देवी के रूप को सीता जी के रूप को इस प्रकार से बताया है दुर्गा सप्तशती भी यही कहता है तो इसलिए देवी जब हम भावना रखते हैं तो देवी की भावना इस प्रकार से हमें करनी चाहिए और हमारे अंदर जो चेतना है वो स्वयं ही साक्षात दुर्गा है वो वो साक्षात काली है तो कहीं देवी बाहर से नहीं आएगी ठीक है जो आप लोग कहते हो ना कि किसी के ऊपर देवी जी आ गई काली जी आ गई किसी के शरीर पर अब वो भविष्यवाणियां करना शुरू कर देगा कुछ कुछ दिक्कतें बताना शुरू कर देगा जी नहीं यह देवी के आने का तरीका नहीं है एक दिन हम इस पर इस टॉपिक को सोच रहे हैं लेंगे नवरात्रों के मध्य वैसे तो अब नवरात्रे ज्यादा दिन रह नहीं गए लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि इसके बीच में एक वीडियो इस विषय पर भी हम ले आएंगे क्या देवी किसी के ऊपर शरीर किसी के शरीर पर ऊपर से आ जाएगी क्या अभी तो समय इजाजत नहीं देता है तो इस विषय पर भी चर्चा की चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं होता क्यों इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि देवी आपके अंदर पहले से बैठी हुई है वो बाहर से क्यों आएगी देवी चेतना के रूप में आपके भीतर पहले से है तो बाहर से क्यों आने लगी भला तो यह भी हमें विचार करना चाहिए और ऐसे विषयों को देवी का रूप नहीं मानना चाहिए ठीक है वो देवी नहीं है जो इस प्रकार से चलिए इस बारे में और चर्चा हम आगे करेंगे तो चेतना का विकास चेतना विकसित और यही नवरात्रि है यही नवरात्रि है नवरात्रि अब नव के साथ रात्रि भी है रात्रि का क्या रहस्य है जब माता काल रात्रि पर चर्चा करेंगे तो रात्रि का रहस्य भी प्रकट हो जाएगा ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं आपके कमेंट्स देखते हैं कि आप क्या लिखते हैं क्या कहते हैं देखते हैं कौन क्या कह रहा है कैसी बातें कर रहा है उसको भी देख लिया जाए जान लिया जाए जगत नारायण जी बहुत बहुत अभिनंदन विक्रम सिंह जी अमिता पंडा जी गोपाल शर्मा राजू पाल अबनि प्रधान एस पी सैनी जी सोमनाथ शिंदे रमेश पेशवानी रोमेश चोपड़ा सविता नायक चित्रंजन बरुआ अनिल कुमार भीम सिंह मीना रूपलाल विश्वकर्मा जी बृहमपाल जी गौतम दास रचना जी राम निवास मीना प्रताप जाला रजनीश बरफानी पीपू कुशाड़िया जी बलदाऊनाथ योगी जी करेंद्र सेठ बिमला शाह कन्हई कुमार गंगा ओली गोपाल शर्मा गणेश पवार ऊषा श्रीवास्तव गंभीर शाह संदीप अरोड़ा गोपाल शर्मा अवचेतन मन रेलगाड़ी के उस इलेक्ट्रिक इंजन के जैसा है जिस में अभी तक बिजली ही नहीं पहुंची है जी तो कुलदीप कुमार जी उदय शंकर जी स्मिता सावंत जी माधुरी कोले जी निशु चौहान जयंती भाई पटेल सुनील राजभर जी बहुत अभिनंदन है आपका चेतन अंश को भावनाओं के समुंदर से निकालकर ही चेतना के परम गति प्राप्त होगी क्योंकि तो चेतन जीव भावनाओं के लेकर ही कार्यरत होती है जिसे हम शक्ति का माध्यम कहते हैं जी चंद्रेश्वर पांडे जी अजीत अपराजित जी एमआरसी वीना जी परम आपको बहुत बहुत सबका बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है इस कार्यक्रम में और कल फिर माँ कालरात्रि की महिमा हम सुनेंगे आज माता कात्यायनी के कात्यायनी को हमने सुनना सुनने और समझने का प्रयास किया कल जो है माता कालरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के इस विचारों को आज के इस विचार प्रवाह को ध्यान योग का कोर्स 11 तारीख से शुरू हो चुका है जिन लोगों ने सीधा यूट्यूब पे ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने ज्वाइन बटन क्लिक कर, कर सीधा यूट्यूब पर अगर ध्यान योग का कोर्स जुपिटर मेंबरशिप या सन मेंबरशिप ज्वाइन किया है तो आप जरूर व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क कर लीजिए व्यक्तिगत रूप से आप व्हाट्सएप मैसेज कर, कर हमें संपर्क कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन किया है तो दूसरी बात अब जो है ध्यान योग का कोर्स तीस अक्टूबर से मिलेगा जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने कर लिया जो नहीं किए वो अब उनतीस अक्टूबर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेंटी नाइन अक्टूबर से ये कोर्स चलेगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक कब ज्वाइन करेंगे अगले हफ्ते संडे से आने वाले रविवार से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं तो आज मंगलवार है तो कल नहीं आने वाले रविवार से उनतीस तारीख के लिए ज्वाइनिंग शुरू होगी धीरे धीरे तो ज्वाइन आप कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह कोर्स आगे बढ़ता है और ध्यान योग के बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं तो हमें उसका अभ्यास और उस तथ्य को समझना चाहिए जानना चाहिए ऑफलाइन मोड में हाँ ध्यान से सुनिए ऑफलाइन मोड में जो लोग कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन कोर्स जो लोग करना चाहते हैं उनको बताया जा चुका है उनको डेट भी दिया जा चुका है किस डेट पे आना है तो अभी हम लाइव में उस डेट को अनाउंस नहीं करेंगे अगर आप ऑफलाइन साधना करनी चाहते हैं ऑफलाइन मोड में आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए फिर आपको बताएंगे कि कैसे आप ध्यान योग के कोर्स के लिए आ सकते हैं तो जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है ऑनलाइन तो वो वैसे भी आ सकते हैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है उनको ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम देना है ठीक है लेकिन जिन्होंने कोर्स किया ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो ऑफलाइन ही करेंगे ऑनलाइन हम नहीं करेंगे कई कारण बताते हैं वो कि भाई हमको मोबाइल सही से, से इस्तेमाल करने नहीं आता तो हमको थोड़ा लगता है कि भाई ऑनलाइन वाला शायद पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा इस तरह की बातें वो करते हैं तो इसीलिए वो ऑफलाइन की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है आपके पास समय क्योंकि ऑफलाइन में फिर समय लगेगा आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा कोर्स का फी तो रहेगा ही रहेगा उसके ऊपर और दूसरे कई खर्चे बढ़ेंगे तो ठीक है अगर आप फिर भी करना चाहते तो खैर बहुत अच्छी बात है आप अवश्य ही ऑफलाइन मोड में कोर्स कीजिए करना चाहते हैं संपर्क कीजिए आपको बताया जाएगा क्योंकि तो ऑफलाइन मोड में तो फिजिकली हर चीज़ होगा ना यहाँ तो आप बैठे बैठे कहीं से भी कर रहे हो कोई मुंबई में बैठा कोई दिल्ली में बैठा कोई बेंगलोर में बैठा कोई पुणे में बैठा कोई भोपाल में बैठा कोई कोलकाता में बैठा सुन रहे हो आप लाभ उठा रहे हो तो ऑफलाइन में तो जहां हो रहा है वहीं आना पड़ेगा वहीं पहुंचना पड़ेगा चाहे आप वो कितनी भी दूर हो नहीं तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में हो तो चलिए ठीक है आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं बाकी ऑनलाइन कोर्स जो लोग ध्यान योग का करना चाहते हैं उसके डेट उनतीस तारीख अगली अब उनतीस तारीख से उसकी उनतीस तारीख के लिए ज्वाइनिंग शुरू होगी अगले रविवार से अगले मतलब अपकमिंग आने वाला जो रविवार है उससे आज मंगलवार हो गया आने वाले रविवार से उसकी उसके लिए ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी 29 अक्टूबर के लिए तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं उस ध्यान योग कोर्स का लेकिन करिए जरूर करिए कहीं से भी करिए कुछ भी करिए अपनी चेतना का विकास कीजिए ठीक ना अपनी चेतना को विकसित कीजिए चेतना की यात्रा शुरू कीजिए चलिए इसी के साथ जो है विराम देंगे विश्राम देंगे आज के इस कार्यक्रम को कल फिर नौ बजे मिलेंगे आप सबसे एक नए विषय के साथ नवरात्रों का विषय चल रहा है तो एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मिलेंगे चर्चा करेंगे बात करेंगे और आध्यात्मिक विषयों को आगे बढ़ाएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अगर आपको लगता है कि हाँ यह कार्यक्रम समाज के लिए मनुष्य जाति के लिए साधना के लिए योग साधना के लिए एक उत्तम विषय है और अच्छा यहाँ का मैटर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करें लोगों तक पहुँचाएं भी तो चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का